अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे जी। कुकिंग नेवरन्स आज आपके लिए एक और रेसिपी लेके आया है जो कि फिरनी की रेसिपी है। आगे आ रही है ईद, आप लोग ईद पे बनाइएगा और ठंडी खाइएगा। गर्मी में आ रही ईद है और बकरा ईद है, कुछ नमकीन बनेगा। हमने कहा चले जी जल्दी जल्दी से आपको एक और मीठे की रेसिपी देते हुए चले। फिरनी है, फिरनी के लिए मैंने एक पैन में पैन है, कढ़ाई है, जो भी बर्तन आपके पास है। मेरे पास कढ़ाई है, डीप है, और इसमें मैंने 2 लीटर जो है मिल्क जो है ऐड कर दिया है। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक कप है, ये देख रहे हैं आलमंड है जी, हाँ आलमंड है, इसमें बिल्कुल फाइनली चॉप्ड है ये पिसे हुए बादाम 1 कप भर के जो है हमने अपने इस मिल्क में जो कि हमने गर्म होने के लिए रख दिया, बॉयल होने के लिए, उसमें ऐड कर देना और इसमें चम्मच मसलसल हिलाते जाना। प्योर्स पिसे हुए बादाम डालने के 5 मिनट बाद ये जो है हमारे पास काजू है, मैंने ये 1/4 कप, वो पूरा कप डाला था, ये 1/4 कप भी इसमें ऐड कर देंगे हम। ये पिसे हुए बादाम और पिसे हुए काजू डालने के बाद अब यहाँ पे हम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर जो है आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2 लीटर मिल्क में कोई तकरीबन 1/2 पाव जितनी, जी 1/2 पाव से भी थोड़ी सी कम ही होगी मैंने ऐड की। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बताती चलो, फिरनी है तो हमने बहुत ठंडी सर्व करनी है, तो शुगर आप नॉर्मल रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना रखिएगा और बहुत ज़्यादा लाइट भी ना रखिएगा। लाइट शुगर जब किसी भी स्वीट डिश में होती है तो वो ठंडी करके जब सर्व की जाती है तो फिर वो स्वीट डिश इतना टेस्ट नहीं देती जितना उसको टेस्टी होना चाहिए। शुगर ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हम जो है 1 चुटकी जो है हम नमक भी ऐड कर देंगे जी। पहले भी बताया कि स्वीट डिश में 1 चुटकी जो है अगर नमक ऐड कर दिया जाए तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाता है, स्वीट डिश का जो है टेस्ट जो है बढ़ जाता है। और ये 1/2 टीस्पून जो है मैं यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, हमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर यहाँ पे दरकार है, लेकिन मैं 1/2 यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और 1/2 बिल्कुल एंड पे जाके करूँगी ताकि इसकी जो खुशबू है बहुत जो है ना तेज़ तेज़ वाली, हमें अच्छी वाली खुशबू हमारी जो है बरकरार रहे। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये एक बर्तन में मैं आपको दिखाती हूँ चलूँ कि ये खाने के चम्मच मैंने कोई 10 खाने के चम्मच जो है पिसे हुए राइस है, यानी कि राइस का बिल्कुल पाउडर है, थोड़ा सा पाउडर से हल्का सा जैसे दाना दाना सा होता वो है। अब हम इसमें डायरेक्ट ये पाउडर भी ऐड कर सकते हैं चावल का आटा, ठीक है, और नहीं तो आप इसमें पानी डाल के और या दूध डाल के भी इसमें मिक्स कर सकते हैं ताकि जैसे ही हम ये दूध में डालें तो लम्स ना हमारे बने। बेहतर यही है कि या हम इसमें पानी या फिर हम इसमें दूध ऐड करके तो इस मिक्सर को हम इसमें दूध में अपने में मिला दें। ये मैं चावल के आटे में, आप ये देख रहे हैं कि दूध ऐड करके मैं इसको इसमें ऐड किया है और फौरन हम चम्मच हिलाते जाएंगे। प्योर्स आप लोगों ने ना चम्मच हिलाते जाना है, पक्के पक्के से रुकना नहीं है, क्योंकि जो हमने चावल इसमें ऐड किया वो बिल्कुल आटे की शक्ल में ऐड किया और ये इसके लम्स ना यहाँ पर बनने पाए। प्योर्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फिरनी ने हमारी थिक होना शुरू कर दिया है, आप ये देखें। और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ चलो, यहाँ पे पकते हुए आप जो है 1 टीस्पून जो है चख भी सकते हैं ताकि आप लोगों को आपके जो शुगर लेवल का जो है अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे कितनी चीनी मुनासिब है या और डालनी है, तो आप यहाँ पे टेस्ट करके और भी डाल सकते हैं। मेरे पास एक बॉल में है, ये रही है मलाई दूध से उतरी हुई है, फ्रेश दूध को बॉईल की और मलाई जितनी उतरी मैं इसमें वो भी ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारी फिरनी है मज़ीद जो है क्रीमी साइज़ का टेस्ट और टेक्सचर आ जाए। आप लोग चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। मेरे पास पड़ी हुई थी, आज की थी, बड़ी यमी यमी बड़ी टेस्टी थी, तो मैंने कहा ये भी ऐड करते हुए चले जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है हमारी फिरनी डन है और मैं आप लोगों को बताती ही चलूँ टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब हमने अपनी फिरनी को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है तो इसने मज़ीद थिक हो जाना, ठीक है। 1/2 टीस्पून जो हमने इलायची पाउडर बचा के रखा था अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बिल्कुल लास्ट में, ताकि जो इसकी फ्रेश जो खुशबू है ना वो हमारी फिरनी से आए। बस चंद सेकेंड्स के लिए हम इसको हिलाएँगे। प्योर्स लास्ट में जो है हम इसमें रोज़ वाटर ऐड कर रहे हैं कि 1 टेबल स्पून इसमें रोज़ वाटर चला गया। मैं आप लोगों को बात बताती चलूँ, यहाँ पे जस्ट
रोज़ वाटर ऐड करके भी बात बनती है, लेकिन हम क्या करेंगे, जितनी क्वांटिटी हमने रोज़ वाटर की ऐड करनी है उसमें से हाफ जो है हम रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे और हाफ क्वांटिटी पे हम केवड़ा एसेंस डालेंगे। टीस्पून जितना जो है केवड़ा एसेंस चला गया, इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत गुड स्मेल आने वाली है, ठीक है। और बिल्कुल ये जो आपकी फिरनी है ना रेडी होगी तो बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल से रेडी होगी, ऐसे जैसे कि हम अक्सर वेडिंग सेरेमनी अटेंड करते हैं तो खाने में जो होते मीठे में कस्टर्ड होता है, फिरनी होती है, और फिरनी ये बिल्कुल सेम वैसी फिरनी रेडी होगी। यहाँ पे हम अपना फ्लेम ऑफ कर रहे हैं और मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आप लोगों के सामने है वेरी लो फ्लेम पे हमने इसको कुक किया। जितने प्यार से जितने लो फ्लेम पे बनाएंगे उतनी ही टेस्टी आपकी फिरनी बनेगी। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और इसको हम जो है किचन के काउंटर पे चूल्हे से उतार के रख देंगे, क्योंकि चूल्हा है गर्म, अगर चूल्हे पे पड़ी रहने देंगे तो ये मज़ीद ठीक हो जाएगी और जल्दी ठंडी भी नहीं होगी। बेहतर है कि हम इसे किचन के शेल्फ पे रखते हैं और इसमें चम्मच हिला हिला के इसको जल्दी से ठंडा कर लें। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया और मसलसल ही इसमें स्पैचुला जो है हम अपना हिलाते रहे। उसकी रीज़न क्या है कि इसका जो एक क्रीमी सी लेयर इसके ऊपर बनती है वो हमने बनने नहीं दी, वो हमने यहाँ नहीं बनने देनी। इस बर्तन में जब हमने इसको सर्विंग बॉल में या सर्विंग किसी भी बर्तन में हमने इसको डालना, हम चाहेंगे इसकी जो ऊपर वाली लेयर जो आती है ना, अपर लेयर बड़ी क्रीमी सी फिरनी के ऊपर, वो वहाँ बने, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगती है। हमें आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा और डिटेल्स बताती चलूँ, हमने 2 लीटर मिल्क लिया था, ठीक है, लेकिन जब मैंने पिसे हुए चावल जो चावल थे ना उनको जब मिल्क में ऐड करके इस मिल्क में ऐड किया था उबलते हुए दूध में, तो तकरीबन वो भी 1/2 लीटर हो गया था, ठीक है। ये टोटल जो मिल्क है ना, ये टोटल मिल्क जो है तकरीबन 1.5 लीटर जी 1.5 लीटर है, और इसमें जो पिसे हुए चावल थे वो 1/2 पाव थे, और चीनी 1/2 पाव, और जो चीनी थी वो भी उसके अकॉर्डिंग इक्वल ही मैंने 1/2 पाव ले ली। आप चीनी चाहे तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप पिसे हुए बादाम थे और 1/4 कप जो है पिसा हुआ काजू था, ठीक है। काजू ऑप्शनल है, आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं स्किप कर दीजिएगा। और फिर इलायची पाउडर है, और आपने देखा है कि लास्ट में हमने रोज़ वाटर और केवड़ा डाल के अब इसको रूम टेम्परेचर पर कर लिया है ठंडा। अब हम बड़े एहतियात के साथ इस बॉल में जो है इसको डालते जाएंगे। व्यूअर्स ये मेरे पास गार्निशिंग का सामान है, पिसा हुआ पिस्ताशियो जी पिसे हुआ पिस्ते हैं, और पिसा हुआ बादाम है, और ये जो है चॉप किया हुआ पिस्ताशियो, और ये आलमंड कटे हुए भी हैं, और ये काजू, ये मैंने थोड़े थोड़े से बचा लिए थे, पिस्ताशियो तो पहले कहीं नहीं ऐड किया। अब हम इसे करते हैं अपनी गार्निशिंग, और 1 अदद मैंने ये देखिए प्लेट में भी डाल के रख ली है। हम एक ये प्लेट सजाएंगे और एक ये सर्विंग बॉल्स जो है डेकोरेट करेंगे। जी आप देख रहे हैं व्यूअर्स, जिस तरह चाहें आप लोग गार्निशिंग करें, ठीक है। मैं आपको कुकिंग नेवर एंड हमेशा अपनी रेसिपी के साथ साथ, बहुत इजी आसान रेसिपी के साथ साथ, और एक एक स्टेप समझाते हुए आप लोगों को गार्निशिंग करना भी बताता है। इस सेंटर में हम थोड़े से जो है पिसा हुआ पिस्ता रख देंगे, व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये अपनी फिरनी को अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप फ्रिज में रखें, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप फ्रीज़र में भी इसको जल्दी जल्दी ठंडा कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा ठंडा होने में टाइम लेती है तो आप इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि एक और जो हमारी प्लेट है जिसमें हमने रखी थी इसकी भी गार्निशिंग कर लेते हैं। जी मेरे व्यूअर्स, आफ्टर 2 आवर्स हमने इनको फ्रिज में यक ठंडा कर लिया है अपनी फिरनी को, अब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखें कैसे लिक्विड फॉर्म में थी, अब माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो गई है, जिस तरह से ये होना चाहिए हमारी फिरनी को। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत क्रीमी, बहुत यमी, और इसमें जो स्वीटनेस है वो भी बिल्कुल परफेक्ट, इतनी ठंडी होने के बाद भी, और बिल्कुल सेम स्टाइल है जो कभी किसी वेडिंग में मैंने खाया था, और मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि ये सेम स्टाइल या ये सेम टेस्ट जो है मेरे हाथ से बने। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। आप लोग ईद आ रही है, लाजमी बनाइएगा, ठीक है।
गरम गरम चीज़ें खा के और सॉल्टी और नमकीन और स्पाइसी खा खा के मीठा, आप लोगों का दिल करेगा ऐसा ठंडा और मीठा खाने का, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करके हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। और नेक्स्ट कुकिंग रेसिपी तक ब्लॉग के लिए हमें दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।